हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ। गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग का टॉपिक है यू वेज देम। आपकी और आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं? ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप दोनों की एनर्जी को चेक करूँगी। आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो और आपके पार्टनर अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। देन आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे के लिए कैसी है ये पता करूँगी। देन आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, ठीक है। इस जर्नी में कोई चैलेंज अगर मुझे दिखेगा तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। ओके, तो गाइस ये जनरल रीडिंग है, इसको माइंड में रखते हुए देखना। कुछ बातें हो सकता है आपसे मैच करे, कुछ ना करे, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। और हो सकता है कि पूरी रीडिंग ही आपके साथ मैच कर जाए या ना करे, ठीक है। रीडिंग के एंड में मैं एडवाइस लूंगी एंजल की तरफ से, क्या एडवाइस आ रही है आपके लिए। चलिए देखते हैं आप कैसा फील कर रहे हैं, आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं, दोनों की एनर्जी क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालूंगी, फिर आपके पार्टनर के लिए। चलिए एक कार्ड आ गया हमारे पास, इंस्टिंक्ट। ओके, आपके लिए आया ये कार्ड। गॉसिप आपके पार्टनर के लिए। फॉरगिवनेस, डेसिपेटिंग, सेल्फ वर्थ। ओके, एक्सपेंशन, एनलाइटनमेंट आपकी साइड से। वाओ, इम्पैस। एंड देखिए यहाँ से कन्फ्यूजन का कार्ड आया है बॉटम से, इसको ले लेते हैं। तो गाइस ये आपके पार्टनर के लिए कार्ड्स हैं और ये वाले आपके लिए हैं, ठीक है। सबसे पहली बात है ये जो कार्ड है इंस्टिंक्ट, ये मुझे बता रहा है कि आप बहुत हद तक क्लियर हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको विजन्स आते हैं, आप डेफिनेटली डिटरमाइंड हैं और आपको पता है कि आपकी जर्नी गाइडेड है। आपको पता है आपको टाइम टाइम पर गाइडेंस मिलती है गॉड की तरफ से। देखिए एनलाइटनमेंट का भी कार्ड यहाँ पर आया है, इट मींस गॉड आपको हमेशा कुछ ना कुछ गाइड करते हैं, कुछ ना कुछ बताते हैं जो कि आपको पता है कि वो आपके बेटर के लिए है, ठीक है। चेंज से आप घबराते नहीं हैं, चेंज आना बहुत अच्छी बात है लाइफ में, लेकिन उसमें बहुत हद तक खुद को गाइड करना, किस तरीके कोई हमें मैनिपुलेट ना कर दे, कोई हमारा एडवांटेज ना ले ले, तो डेफिनेटली आप बहुत सतर्क हैं और डेफिनेटली गॉड की तरफ से आपको हमेशा गाइडेंस मिली है। आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है आगे, मैं ऐसा देख रही हूँ। एनलाइटनमेंट होने वाली है आपकी लाइफ में, आपको यूनिवर्स गॉड सब सब सरप्राइज करने वाले हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। आप बर्डन ना उन पर छोड़ते हैं ना खुद पर, और आप माफ़ कर देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको आपकी सेल्फ वर्थ पता है, आपको पता है कि ऐसे लोगों के साथ कोई डील नहीं करनी जो डिज़र्व ही नहीं करते हैं, ठीक है। आप उनको माफ़ कर कर लेट गो कर देते हैं, तो लेट गो आपने करना सीखा है। आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता है और लोगों को भी आपकी सेल्फ वर्थ पता है, ठीक है। तो अगर आप अपनी लाइफ में अकेले भी हैं तो भी आपको अपनी वर्थ पता है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आई है, आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हैं अपने पार्टनर को लेकर। जिस भी पार्टनर के लिए आप पूछ रहे हैं ना, आप उसको लेकर कन्फ्यूज़न में हैं, तो बहुत जल्दी ये कन्फ्यूज़न भी दूर हो जाएगी विद द एनलाइटनमेंट कार्ड। आपको बहुत जल्दी रास्ता मिलेगा आपको कैसे पाथ को फॉलो करना है, क्योंकि गॉड हमेशा आपको गाइड करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से गाइड करते हैं। तो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आपको गाइडेंस मिलेगी थ्रू एंजल्स, और डेफिनेटली आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर आएंगे, ठीक है। आपके पार्टनर को भी कन्फ्यूज़न है और आपको भी है, दोनों को ही है, ठीक है, एक को नहीं बोलूँगी मैं। देखिए ये जो पार्टनर, इनको गॉसिप करना पसंद है, ये बहुत ज़्यादा बातें करते हैं,
और इनकी बातें लोगों को पसंद भी आती है, हंसी मजाकिया टाइप के पर्सन है ये, ठीक है। इनको लगता है इनके इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ मिस कर दिया है, और हो सकता है कि ऐसा लगता हो इनको कि काफ़ी बड़े हो रहे हैं और उनकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी बात है, हो सकता है आपसे एज में बड़े हों, हो सकता है आपसे बहुत ज़्यादा मेच्योर पर्सन हो, ठीक है, ये चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो भी है, ये भी प्लानिंग कर रहे हैं अपने आगे के लिए, ये आपको ना सरप्राइज़ देने के लिए रेडी हैं। ये बहुत जल्द आपके पास आएंगे और आपको सरप्राइज़ देंगे, आपको बताएंगे कि ये आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन, बहुत जल्दी कुछ एक्सपेंशन होने वाला है, आप दोनों को एंजल सरप्राइज़ करने वाले हैं। मुझे तो कुछ भी यहाँ पर ऐसा नेगेटिव नहीं दिख रहा है आप दोनों की तरफ से ही। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी अच्छा कर रहे हैं, आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं, ठीक है। अब ये रीडिंग हर किसी के साथ मैच नहीं कर सकती, लेकिन जिनों के साथ करें मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अगर बहुत टाइम से अगर सेपरेट भी हो तो भी मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट आपकी लाइफ में होने वाली है, और आपके पार्टनर आपको डेफिनेटली सरप्राइज़ करने वाले हैं, ठीक है, सरप्राइज़ करने वाले हैं, आपको सरप्राइज़ देंगे कि देखो मैं आ गया हूँ, इस तरीके से, ऐसा मैं यहाँ देख रही हूँ। तो ये है आप दोनों की एनर्जी। चलिए अभी म्यूचुअल एनर्जी चेक करते हैं। दो कार्ड, चलिए मैं दोबारा से, मुझे अच्छे से कार्ड शफल करने। ओके, थ्री ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, वाओ, पेज ऑफ सोर्ड्स, वेट अ सेकंड, टू ऑफ वैंड्स, वाओ, एस ऑफ वैंड्स, टू एसेस, और देखिए बॉटम से सन का कार्ड आया है एंड स्टार भी आया है, वाओ। आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी बहुत ही परफेक्ट है। देखो यहाँ पर आप दोनों के बीच में ना अनकंडीशनल लव होने के साथ साथ ना पैशन भी बहुत है, ठीक है। अनकंडीशनल लव है, बहुत ज़्यादा पैशन है, अट्रैक्शन है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है आपके पार्टनर को, आपको लेकर, और आपको भी अपने पार्टनर को लेकर, और अनकंडीशनल लव है, आप डाउट मत करो उस प्यार पर, ठीक है। सन एंड स्टार, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए सन हैं और स्टार हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए विश हैं, हैप्पीनेस हैं, इस तरह की थिंकिंग है आप दोनों की। और थ्री ऑफ कप्स का मतलब होता है आपको पार्टी करनी है, डेट करना है एक दूसरे को, इंजॉय करना है अपनी लाइफ में, ठीक है। कुछ के लिए यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन के मन में, अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी रिकॉन्सिलेशन के मन में है आपके पार्टनर के और आपके भी, ठीक है। ये पार्टनर खुद आएंगे, कुछ ना कुछ ऑफर देंगे, ये ऑलरेडी आपको सोशल मीडिया पर भी स्टॉक करते हैं, आपको देखते हैं ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपसे बात भी होती होगी इनकी रोज, ऐसा भी होता होगा, ठीक है। दोनों ही कन्फ्यूज़न में हो क्या होगा आगे, लेकिन डोंट वरी, आप दोनों एक होंगे आगे, ऐसा मैं देख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हो, अवेकन हो रहे हो आप दोनों ही, ठीक है। कन्फ्यूज़न जो है ये दूर हो जाएगी विद द एनलाइटनमेंट कार्ड, और डेफिनेटली आपको आपकी लाइफ में सच्चा प्यार है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। तो ये ट्रू लव मुझे दिख रहा है यहाँ पे, अनकंडीशनल लव, आपको इस पर ट्रस्ट करना होगा। अगर ट्रस्ट ही नहीं कर सकते तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता, खुद पर ट्रस्ट करो। अगर नो कॉन्टैक्ट में भी हो तो कॉन्टैक्ट हो जाएगा बहुत जल्द। मुझे लगता है आप समझते हो कि पता नहीं ये पर्सन थर्ड पार्टी में ना हो, मुझे धोखा ना दे रहा हो, पता नहीं वापस आएगा नहीं आएगा, मुझे कमिट करेगा नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर क्लियर हैं,
वो आपसे प्यार करते हैं और इमोशनली भी आपको फील करते हैं और फिजिकली भी बहुत फील करते हैं. सेक्सुअल अट्रैक्शन है यहाँ पर. कम्युनिटी नंबर 7. अप्रिशिएशन. Wow, the world. Third chakra, second chakra, Archangel Ariel. Happy family. Wow. Magician in the mirror. देखो, थोड़ा सा trust करना सीखो situation पर, God पर, खुद पर, और कुछ चीजें बिना सोचे समझे तो खैर नहीं करनी चाहिए, पर ज़्यादा सोच कर भी कोई फ़ायदा नहीं होता है. ठीक है, हैप्पी फैमिली का मतलब है ये पार्टनर चाहते हैं आपको, आपके साथ घर बने, घर बसे. ठीक है, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं और आप भी करते हैं अपने पार्टनर को अप्रिशिएट. ठीक है, कम्युनिटी का मतलब है डेफिनेटली इनके साथ आप बाहर जाएंगे, घूमेंगे, सोशलाइज होंगे. ठीक है, थर्ड सेकेंड चाक्रा अपना ओपन हो रहा है, उनका भी हो रहा है, आपका भी हो रहा है. ठीक है, बहुत पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं. और आर्केंजल एरियल आपके साथ है जो कि आपको सपोर्ट करते हैं. ठीक है, आपके हीलिंग में. मैजिशियन एंड द मिरर डेफिनेटली अभी अभी कुछ चीज़ें हैं जो आपको और हील करनी है. ठीक है, जब तक अपने अंदर से डर नहीं निकालोगे ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता. डर का सामना करना सीखो, फेस करो और अपना अपने अपने इंटेंशंस को और क्लियर रखो. और डेफिनेटली फिर अपने इंट्यूशन पावर को सुनो, आपके इंट्यूशन आपको क्या कह रहे हैं. ठीक है, इस तरह से करने की जरूरत है आपको. क्रिएटिविटी. वर्थीनेस. देखा, आपको बहुत एडमायर करते हैं ये पर्सन, आपकी वर्थ पता है नहीं, आप कौन है, आप क्या डिजर्व करते हैं ये भी पता है इस पार्टनर को. द सिल्वर वाटरफॉल. लव एंड सेक्रेट वुमेन. डेफिनेटली देखो, आपको बहुत एडमायर भी करते हैं और आपको ये भी मानते हैं कि आप बहुत रिलीजियस हैं, आप बहुत अच्छे हैं. आप देख लीजिए कितना 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 प्यार करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं. और आप भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप भी इनसे प्यार नहीं करते हैं, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं. और दूसरी बात ये है कि आप दोनों अगर एक साथ में रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे, ये भी बात है, ये भी आप दोनों को पता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो नसीब पर छोड़ने वाली बात है. टाइम के साथ साथ आप आगे देखेंगे क्या हो रहा है लाइफ में. ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी नसीब पर, टाइम आपको बताएगा क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ में. ठीक है, बाकी आप क्रिएटिव हैं, आपके पार्टनर भी क्रिएटिव है. डेफिनेटली दोनों एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, बहुत प्यार करते हैं. चलिए, आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेती हूँ मैं. यू आर माई होम, यू साउंड सेक्सी ओवर द फोन. यू नेवर गिव अप ऑन मी. इस पार्टनर को पता है आप कभी गिव अप नहीं करोगे, इनको कभी छोड़ के नहीं जाओगे. यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आपको अपना बेस्ट फ्रेंड कह रहे हैं. डेफिनेटली गाइज, आप इनको सिक्योर भी फील कराते हैं. ये पर्सन आपको बहुत अच्छा मानते हैं, ट्रस्ट करते हैं आप पर कि आप इन्हें कभी छोड़ के नहीं जाओगे और आपकी वर्थ को समझते हैं. आप बहुत यूनिक हो बाकी से, ऐसा मानते हैं आपको. ठीक है, तो यस, सबके साथ तो मैच नहीं करेगी, लेकिन हाँ, जिनके पार्टनर एफर्ट्स लगा रहे हैं और आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पर उन लोगों के साथ ये रीडिंग मैच कर सकती है. ठीक है, तो गाइस, ये है आपकी रीडिंग. आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो. अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना. अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर.